हेलो वाओ पीपल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एज यू गाइस हैव ऑलरेडी रेड बाय द टाइटल कि आशिका बर्थडे सरप्राइज है। ऑल थोड़ा लेट हो गया बिकॉज आशिका बर्थडे 5th को था और आज हो चुका है 12th ऑफ मार्च। बट बेसिकली मैंने प्लान किया था कि मैं उसको 25th बर्थडे उसका तो मैं 25 गिफ्ट दूंगा, बट वैसा थोड़ा पॉसिबल हो नहीं पाया। 25 गिफ्ट तो नहीं है, मतलब 22-23 तो हो गए कुछ। तो फिर माइंड में ये आइडिया है कि आशी ने नए घर में शिफ्ट करना ही है, सो उसको जब वो शिफ्ट करने वाली होगी तो मैं उसको गिफ्ट उसको तभी दूंगा जब वो शिफ्ट हो जाएगी ऑलमोस्ट। मैंने अपने स्पाइस छोड़े थे हर जगह ताकि आशी को कुछ भी चाहिए हो, सोच रही हूँ मेरे को रूम डेकोर के लिए ये चाहिए, तो मेरे को सारे तंजील उनके वगैरह सब आके बता देते कि आशी को ऐसा कुछ चाहिए, ऐसा कुछ बोल रही थी वो। सो मैं कल ही मॉल गया था, मॉल जाके मैंने काफी अलग अलग स्टोर से मैंने शॉपिंग करी। जो आशी मेरे फेवरेट स्टोर है वो सारे स्टोर जहाँ पे हम जाती है, तो मैंने वो सारे स्टोर में जाके थोड़ा थोड़ा सामान पिक करके आशी के लिए एक गिफ्ट बॉक्स टाइप बनाया है जो आशी आई डोंट थिंक सो एक्सपेक्ट कर रही होगी। बट आशी आई लव यू सो मच, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू यू एंड आई होप देखो ये बर्थडे पसंद आएगा। आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी योर रिएक्शन। कुछ ऐसे आइटम जिसका कुछ पर्सनल टच है, मतलब कुछ ना कुछ रिलेटेड है आशी से वो। सो पहले आपको थोड़ी मॉल्स की क्लिप दिखेंगी, उसके बाद सीधा आशी का रिएक्शन। आती हूँ तो काफी सारे ऑप्शन तो मिल गए हैं, मैंने कुछ तो फिगर आउट कर लिया सामान। तो मेरा तो कुछ डाल लिया है वेस्ट साइड से कर लिया, तो बाथरूम बॉडी वॉश से कुछ मिल गया, सो रॉस्की से कुछ मिल गया। लास्ट आशी का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्टोर मिनी सो, उधर भी आ गया मैं यहाँ से क्या लूँ। आशियारे तो तेरे चॉइसेस इतने डिफरेंट है ना, बहुत मुश्किल हो रहा है देखने में कुछ ना कुछ। स्टॉप होम सेंटर यहाँ पे कुछ देखता हूँ, पिंक कुछ दिख जाए या कुछ भी रूम फ्रेशनर टाइप्स। मेरा मेन सबसे टास्क यही चल रहा है कि मैं आशी के सारे फेवरेट ब्रांड्स जो जब भी हम मॉल शॉपिंग करने आते हैं मैं वहीं से सब कुछ शॉप करूँ। और थोड़ी बहुत चीज़ें मेरे को मिल गई हैं जो मेरे को चाहिए थी, बट अभी इनको सब कुछ पैक कर रहा हूँ सरप्राइज देना आशी को, बिकॉज मेरे को डर लगता है कि सरप्राइज देने से पहले उसका रूम सब कुछ शिफ्ट हो जाए। सब सामान इसमें जा रहा है अभी HBD आशी। Day 2. दो ऑर्डर्स बचे थे वो भी आ गए हैं, तो जल्दी इसको पैक करते हैं। आप जाके आशी को बुलाते हैं, वो बाहर सो रही है ड्राइंग रूम में, उसको उठाते हैं और लेके आते हैं। कुछ ना कुछ बहाना बोल के उसको रूम में भेजता हूँ। A few inches later. Quick update, मैं बाहर गया ये सब कुछ करने का, तो देखा आशी प्रॉपर सो गई है अभी। उसको उठाने की कोशिश करी तो कह रही है आधे घंटे में आना, उसको मैं कैसे समझाऊँ किस लिए उठा रहा हूँ उसको। कुछ ना कुछ बहाने मार रहा हूँ कि इसके लिए आ जाइए वो, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ अकेले बैठा हूँ, मैं कुछ ना कुछ बहाने मार रहा हूँ उसको। जब हम सारे उठे थे बेसिकली आशी और संकुश शिफ्ट हुए हैं, तो घर की पूजा थी उनकी, किसी की भी नींद पूरी नहीं है, तो आशी अब सो गई है। 9 बज रहे हैं अभी रात के, सो अब उसने बोले आधे घंटे में उठूंगी, अब आधे घंटे में आएगी और एकदम नींद से उठते ही समझ नहीं आ रहा है, बहुत कन्फ्यूज हो रहा हूँ। मैं सब कुछ सेटअप करके बैठ गया, मैं रूम लॉक करके मैं बाहर जा रहा हूँ रूम से। तब से उठाने की कोशिश। अच्छा इसलिए मेरे पीछे पड़े हो। अब प्रैंक हो रहा है। पहले अरे पूरा नहीं बोलना अभी, पहले गेस कर क्या समझ सकती मैं इतना बड़ा क्या है गेस करना। हाँ पहले गेस करना क्या होगा। ऋषभ डब्बा एग्जैक्ट हो रही है। चेयर है थोड़ा बजट कर दो डब्बा को। मेरा गिफ्ट है तो थोड़ा मैंने सोचा था कि मैं 25 गिफ्ट करूंगा, बट सॉरी बट 25 गिफ्ट हो नहीं पाए। इधर डाल दे। ये है टिश्यू डस्टबिन तेरे टिश्यूज के लिए। नहीं नहीं बहुत अलग जगह से कुछ भी उठाया मैंने। गेस कर क्या हो, हिला हिला के देख।
शोपीस है ठीक है अभी भी जो आए थे दो लास्ट मोमेंट मैंने बोला अर्श के हैं तो सो गई उसके बाद अंदर चुपके से लेके मतलब इसलिए मुझे उठा रहे थे 1500 उठाना है मैं क्या करूँ मैं कह रहा हूँ क्या करूँ मैं बाकी रेस्टे बोल रहे आज दिखाओ कल दिखाओ मैं बोला दिखा दे आज भी बोला नहीं यार कल दिखाता हूँ ऑर्डर तो नहीं करी ना नहीं तभी रोज बाथ एंड बॉडी नहीं है बाहर बड़े बड़े सारे देख लिए थे मैंने तो वो वैसे नहीं पड़े मुझे लगा आप शॉपिंग कर रहे हो बट क्यों बोल रहे हो ऐसा समझ नहीं इसमें कुछ फ्रेग्रेंस वैसे ये शो के लिए है ये खुशबू वाली नहीं है यार ऐसे ज्यादा खुलेगा मैं डेलिकेट हाँ ये क्या है पोचा ये क्या है वाह ये तो मेरा बेस्ट चीज है यार मैं बहुत बड़ी हो रही हूँ मुझे समझ आ रहा है ऐसे गिफ्ट से मुझे खुशी हो रही है कुछ नहीं पता कांच का कुछ लग रहा है तुम्हें बैठ ओ शिट वगैरह इसका याद आ गया क्या कॉफी मग ये अब तक सबसे यूजफुल चीज है नागोरी भरने के लिए बोलते हैं नागोरी भरने के लिए ये तो इतना सुंदर किचन में रखूंगी किचन में भी तो इधर और यार हां हां ये बाद में खोल लिए सब देखने के लिए अरे किचन में रखूंगी क्या है ये बॉक्स सारे आंसर्स करेक्ट थे कप सब पिंक मैंने कुछ नहीं लिया मानव को पे बुलाओ पहले एक्सप्रेशन बड़े बड़े डेकोर के लिए तेरी मर्जी से अच्छा उधर भी चल रहा है उधर मेन ग्रीन अंदर है अरे मैं रूम में घुसी पहले यहाँ से कैमरा रिकॉर्ड करे एकदम ठीक है निकला मैं ऐसे अंदर से मैं ऐसे ऐसे हो गए यहाँ गए एक और कैमरा में ऐसे हो गए मैंने बोला और बिग बॉस जो भी पानी थी इसमें अनदर पिंक आइटम किधर है बाथरूम के लिए रूम फ्रेश मतलब बाथरूम फ्रेश हाँ मेरा खर्चे बचा दिए रिश्वत किसी का वो भी है फिल्टर और बहुत ज्यादा हुआ किसी के पास था मैं छोड़ी नहीं थी फिर वो पता नहीं याद है इसको मिला था अर्चना की तरफ से पूरा टाइम मांगते थे कॉटन मैं सहेली वो है ये क्या है स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये क्या कैंडल तो उस वाले कैंडल मेरे को मिल गई इसकी व्हाइट कलर का है ना तुझे गेस ऐसे जोड़ने भी है मतलब देखो खुद ऐसा फिगर बाद में इसको ओपन अप कर हां Because you're a very good girl. The
मैंने पूछा बॉयफ्रेंड को चले गया बोलते डियो बोले क्या मिस डियो बोलते नहीं वेरी गुड गर्ल इसको खोलना थोड़ा तब तक बनाएंगे अरे मैं कंफ्यूज हूं ना दो थे जेल वाले और दूसरे अभी तो सबसे कन्वर्सेशन फ्री कर रहे हैं ये उन्होंने तो पर्सनल पर से बात हो रही है वो कौन सा तो क्या वॉशर तो क्लीन वो और मैं पहुंच गया यार आप बोलो हनी भावे हां उन्होंने उन्नति कह रही है ये तो कुछ और ही बोल रही हो मेरे को मेरे को तो मैंने ले लिया ओए वाह वाह ब्लैक वाला और कितना सुंदर है ये भी थोड़ा थोड़ी बैन और इसकी खुशबू बिल्कुल आई थिंक यू है मतलब फुल फुली आशी सही है सही कर रही है नॉट अ रिशु खुशबू माय फेवरेट ब्रांड सो स्वीटी सो रॉसी का तो मुझे कुछ भी दे दो मैं भाग जा यस वाओ फोर Big one. Organizer type है? नहीं। ये क्या play party? अरे? Happiest of birthday. ठीक है। अच्छा confetti ढूंढी मैंने फिर सबसे अच्छी दिख रही है इसमें पिंक वाला मेरे को लेना था बस बट तीनों लेने पर अच्छा मैं अपने वेबसाइट के लिए व्हाइट पिलो कवर है बस ऐसे कैसे पिलो यहाँ व्हाइट अच्छी ये क्या लगा दिया तूने बेडशीट यहाँ प्लेन व्हाइट बेडशीट अभी नीचे सब समझ आ रहा है बेडशीट भी है ये क्या बता ऑफ कोर्स मेरे दिमाग में फीड कर रहा सब फिर कह रहा है वाओ ताकि मैं कर रहा है सीधा अब तीन बहुत बड़े बड़े रह गए हैं देखो इसकी पैकिंग थोड़ी अच्छी नहीं हुई पैकिंग है पैक सारा तीन मैंने भी किए एक एक आपने पैक किया इधर भाई का सारे गए थे पर जब बोला स्किन पे स्किन थोड़ी गया थे इधर बैठा था बड़े नहीं था घर पे नहीं था लॉक करके बैठा था नहीं उससे पहले तो गया था ना लेने उससे ले खाली हेयर कट करने गया था नहीं हमसे लेने हाँ हेयर कट पे लेने फिर पैकिंग ऐसे कर सकते हैं ना कुछ टूट जाएगा तो नहीं पता नहीं कैसे मिलेगा ये समझ गए ना इसमें क्या है हाँ ये बोल छोड़ बट फिर तूने बात बोला कि मैं कोई वाला चाहिए कि शिट पहले मैं सेम पहले सोचा था डिफरेंट मंगाता हूं पहले सोचा था डिफरेंट मंगाऊंगा फिर मैंने कहा देखो यही पसंद है तो यही ऑर्डर करता हूं फिर दूसरा पसंद आया पहले तो ये हो रहा था खौफ में था थोड़ा तेरे को सही होने दे फिर बोलता होगा इधर उसके लिए ट्रे है किसके लिए टी पॉट कौन टी पॉट पार्टी अबे मैं छोड़ देती सब और यही सब पहले अगर आप मुझे दे देते तो यही रखूंगी फिर मैं बट आई कांट अनसी द मान ने बोला था ये करेगा एस्ट्रोनॉट टेडी बियर वेट ये सुना बताया ना आज आजीज नहीं बताई है कि ये चाहिए आशी को मैंने इसको छोड़ा इसी की यही नहीं था मेरे पास बहुत अच्छा अच्छा हां ये मेरे को लेना ही था एकदम बट बट ढूंढने कोई और जैसा तुम डील होता वैसा ढूंढने का तो उसमें वो था नहीं बट पिंक में यही था ऑप्शन वहां पे वाओ थैंक यू फॉर अ न्यू होम एचबीडी शुक्रिया मैं तो मकान खरीदा था एचबीडी इसको काम करेगा इसको नीचे रखते रहते मैं वही कह रही हूँ ये डब्बे में ही उसको कचरा ऋषु के रूप में थोड़ा और फैलाते
Woo!